सलाम अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि मुसलमानी कितने बड़ी तलाश की आने के बाद। जी भैया, प्याज प्याज में भी बहुत फ़र्क आ गया, टमाटर में भी बहुत फ़र्क आ गया। ये 200 रुपये किलो है। ये प्याज जो है ये दरमियाने ही चल रहा है, सलाब की वजह से ऐसे ही प्याज आ रहा है, गीला प्याज। अच्छा, और बाकी पहले एक महीने पहले क्या था? ये एक महीने पहले 120-100 रुपये किलो था। 120 वाली डबल हो गया। जी ये अभी और महंगा हो रहा है क्या? हो सकता है, हो सकता है। बाकी जगहों पे क्या मतलब फेयर तौर पे का मिलता है कोई आप लोगों के पास? बिल्कुल बिल्कुल, जैसी चीज़ है उसके हिसाब से रेट है, हर बंदे ने अपने रेट। टमाटर जो है अभी 80 रुपये पाव, 300 रुपये किलो है। जी यही 300 रुपये किलो है। 300 रुपये किलो जी। एक महीने पहले क्या रेट थे इसके? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो था जी। दोबारा बताओ कितना क्या किलो? 80 रुपये किलो था। अब क्या हो गया? 300 रुपये किलो, 80 रुपये पाव हो गया अभी। जी बाकी किस चीज़ों के रेट बढ़े हुए? तकरीबन सारी चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, जैसे बैंगन है कोई खाता भी नहीं हो, वो भी 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। बैंगन 200 रुपये किलो जी। और ये पहले क्या चला था, एक डेढ़ महीने पहले? एक डेढ़ महीने यही बैंगन 70-80 रुपये किलो था। 70-80 रुपये किलो जी। और ये बंद गोभी? बंद गोभी जो है ये एक महीने पहले 80 रुपये किलो थी, अभी ये 140 रुपये किलो है। इनसे भी रेट बढ़े हैं। और बाकी ऐसी मिर्ची वगैरह जो है उसकी क्या रेट हो गई? हरी मिर्ची है, मिर्ची जो है अभी 60 रुपये पाव है, पहले यही मिर्ची 40 रुपये पाव थी। मतलब 20-30 रुपये पड़े। और जो पीछे पड़ा हुआ है जी, ये आपके ये हो गया जी, ये आलू वगैरह। आलू जो है इस टाइम अभी 60 रुपये किलो है, और यही आलू एक महीना पहले 40 रुपये किलो थी। और ये लहसुन वगैरह? लहसुन 100 रुपये पाव। लहसुन 100 रुपये पाव, ठीक है। और ये महंगे हुए लहसुन वगैरह, ये इनके वही रेट है? ये तो ये चाइना से आता है, इनके तो वही रेट है तकरीबन, ये चाइना से आता है। जी 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 जी। और फसलें खराब हुई क्या कह रहे हैं? मार्केट में माल मिल रहा है या माल पड़ा? माल जो है बहुत शार्ट है, जैसे मंडी में 300 दुकानें जिसने अभी 50-60 दुकानें खुली है, बकाया सब बंद है। दुकानें बंद है मार्केट के अंदर, माल नहीं मिल रहा है। मुश्किल होती है रात में आके, बिल्कुल ज्यादा बोली लगानी पड़ी है। ऐसा ही है, सही है।